हरे कृष्णा बच्चों, सुप्रभात। पिछली कक्षा में हमने कविता पढ़ी थी जीरो का मोल, है ना। आज हम उसके शब्दांत पढ़ेंगे और उसका आगे का अभ्यास करेंगे। निकालो शब्दांत, पेज नंबर 69। शब्दार्थ, अंक, संख्या, नंबर, जीरो, शून्य, विनती, प्रार्थना, हिम्मत, साहस, दम, बल, मोल, मूल्य, उपहास, मजाक, विजेता, जीता हुआ, कद्र, कीमत, अभिमानी, घमंडी, उपहार, भेंट, दम्भी, गलत सोच रखने वाला, दभी, गलत सोच रखने वाला। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। प्रश्न एक, दी गई कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। कोई बेकार नहीं, सबकी अपनी माया, बस हिम्मत ना हारे, अपना मोल पहचाने, पीछे चले या आगे, अपने को विजेता माने। ठीक है बच्चों, ये पंक्तियाँ आपको अपनी पुस्तक में ही लिखना है। अब हम आगे का प्रश्न देखेंगे। दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न, अंकों की दावत में किसका मजाक उड़ाया गया। अंकों की दावत में किसका मजाक उड़ाया गया? जीरो का। किसका? जीरो का। अगला प्रश्न, शर्माकर कौन बोला। शर्माकर कौन बोला? तीन। कौन बोला? तीन। अगला प्रश्न, जीरो ने अपने को क्या बताया? हीरो। क्या बताया? हीरो। अगला प्रश्न, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अंकों की दावत में कौन कौन अभिमानी थे? अंकों की दावत में कौन कौन अभिमानी थे? तो अंकों की दावत में 1 से 9 तक के सभी अंक अभिमानी थे। अगला प्रश्न, जीरो ने विनती करते हुए क्या बताया? उत्तर है, जीरो ने विनती करते हुए अपनी कीमत बताई। अगला प्रश्न, 5 ने जीरो से क्या कहा? 5 ने जीरो से क्या कहा? उत्तर है, 5 ने जीरो से कहा, मेरे भी आगे लग जाओ, मुझे 50 बनाकर मेरा भी मोल बढ़ाओ। क्या बोला? मेरे आगे लग जाओ, मुझे 50 बनाकर मेरा भी मोल बढ़ाओ। अगला प्रश्न, इस कविता से क्या सीख मिलती है? उत्तर है, इस कविता से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। बच्चों, आपको शब्दार्थ और ये प्रश्नोत्तर अपनी फेयर कॉपी में लिखना है और मुझे बताना है, है ना? बच्चों, आपको ये प्रश्न लिखकर और मुझे बताना है। आगे का अभ्यास हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।